हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। तो किड्स, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को अपने आसपास देखा ही होगा और आप उन्हें पहचानते भी होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इंसेक्ट्स किन्हें कहते हैं? यस, हम इंसेक्ट्स या कीट अपने आसपास छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें कहते हैं, जिनके होते हैं 6 लेग, जिनके सिर पर होती है 2 एंटीनास और जिनके हमारी तरह बैकबोन नहीं होती, जैसे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस एक्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस इंसेक्ट्स के बारे में और आपको देने होंगे उनके राइट आंसर्स। सो आर यू रेडी? ग्रेट। तो अब आप मुझे बताइए उस इंसेक्ट का नाम जो अपने वजन से 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। तो कौन है वो इंसेक्ट जो अपने खुद के वेट से 20 टाइम्स ज्यादा वेट उठा सकता है? यस, वो है चींटी यानी कि एंट। वो इतनी छोटी होते हुए भी अपने से ज्यादा वजन उठा सकती है। ओके, अब बताइए वो कौन सा इंसेक्ट है जो फूलों को चूस कर यानी कि फूलों के जो पराग होते हैं उसको चूस कर शहद यानी कि हनी को इकट्ठा करता है? यस, वेरी नाइस। वो होती हैं बी यानी कि मधुमक्खी। वो अपने आसपास जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर्स से उनके जूस को, जो उनका रस होता है, उसको कलेक्ट करके अपने छत्ते में क्या बनाती है? शहद। ओके, अब आप मुझे बताइए उस इंसेक्ट का नाम जो दुनिया का डेडलीस्ट क्रिएचर है यानी कि सबसे जानलेवा क्रिएचर है जो आसानी से हमारे घर में आता जाता है। सोचिए कौन है जो छोटा है बट स्टिल डेडलीस्ट है? यस, मॉस्किटोज। बिकॉज मॉस्किटोज की वजह से बहुत सारी डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में और ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले इंसेक्ट होते हैं और उतनी ही आसानी से ये हमारे घरों के आसपास मिल जाते हैं। अब आप इसे पहचानिए, ये कौन है जो गंदगी या गार्बेज की ओर अट्रैक्ट होता है? यस, ये है फ्लाइज या फिर हम इन्हें होम फ्लाइज भी कहते हैं। ये होती है मक्खियाँ जो कि कचरे को, गंदगी को देखते ही फटाफट से आ जाती हैं। ओके, अब पहचानिए उस इंसेक्ट को जो केवल 3 कलर्स यानी कि रेड, ग्रीन एंड येलो कलर को ही देख सकते हैं। यस, वो होती है बटरफ्लाइज। इन्हें हम कहते हैं तितली। तितलियां केवल 3 कलर्स को ही आइडेंटिफाई कर सकती है, रेड, ग्रीन एंड येलो। नाउ टेल मी, अब आप मुझे बताइए उस इंसेक्ट यानी कि उस कीट का नाम जिसकी 5 आईज होती हैं जिससे वो अपने आसपास की सभी चीजों पर नजर रख सकता है। यस, वो होता है ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा। ओके, नाउ टेल मी, ऐसे इंसेक्ट का नाम जिसकी फिजिकल स्ट्रक्चर स्टिक यानी कि जो पेड़ की डंडी होती है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उसकी जैसी होती है और छिपने में वो बहुत ही एक्सपर्ट हो सकता है, होता है ताकि वो किसी भी अटैक से खुद को बचा सके। राइट, वो होते हैं मैंटिसेस। ये बिल्कुल डंडी के जैसे यानी कि स्टिक के जैसे दिखाई देते हैं। अब बताइए येलो कलर का वो इंसेक्ट जो
जिसके काटने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इस इंसेक्ट की मेल स्पीशीज को हम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। यस, वो होता है वास्प यानी कि ततैया। इसकी बाइट बहुत ही पेनफुल होती है। अब आप बताइए उस इंसेक्ट का नाम जिसके ऊपर प्रेजेंट स्पॉट्स हमें ये बताते हैं कि ये किस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। यस, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड के ऊपर जो आपने देखे होंगे स्पॉट्स होते हैं, उन स्पॉट्स के बेसिस पे उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लेडी बर्ड कौन सी स्पीशीज की है। अब आप बताइए वो कौन है, वो कौन सा इंसेक्ट है जो अपने सिर के बिना भी यानी अपने हेड के बिना भी एक वीक तक सर्वाइव कर सकता है। यस, वो होते हैं कॉकरोचेस यानी कि तिलचट्टे। और 1 वीक तक वो सर्वाइव करते हैं और उसके बाद भी जो उनकी डेथ होती है वो केवल प्यास की वजह से होती है, बिकॉज उनका हेड नहीं है तो वो पानी नहीं पी पाते हैं। अब बताइए ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसका कलर होता है ब्लैक, जिसकी शेप होती है बॉल जैसी और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यस, यू आर करेक्ट, वो होते हैं डग बीटल्स, जिसे हम गुब्रैला भी कहते हैं। ओके, नाउ टेल मी उस इंसेक्ट का नाम जो अपनी नोज के बिना भी स्मेल कर सकता है, कौन है वो? गुड, इट्स अ मॉथ, जिसे हम पतंगा भी कहते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, उस इंसेक्ट का नाम बताइए जो उड़ने में एक्सपर्ट होता है, यानी कि ये होते हैं अमेजिंग फ्लायर्स। तो कौन होते हैं अमेजिंग फ्लायर्स? यस, ये हैं ड्रैगन फ्लाइज यानी कि व्याध पतंगा। सो ग्रेट चिल्ड्रन, आपने बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर किया एंड यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट मैनी ऑफ द पॉपुलर इंसेक्ट्स। आप जो हमारे आसपास के इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। अब ये भी सोचिए कि ये कीट पतंगे जब इतने क्रीपी होते हैं, इतने परेशान करने वाले होते हैं बट स्टिल दे आर देयर, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पेरेंट्स से पूछिए, पता लगाइए और फिर हमें बताइए। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।